मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने लोकतंत्र बचाओ जन कल्याण यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान इमरती देवी को निशाने पर लिया, साथ ही उज्जैन में हुई घटना के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए इमरती जी कुछ भी बोले, उज्जैन में जो हुआ है, इमरती जी खुद ये तो करोड़ों में बात करती है, करोड़ों में बात करती है। ये बिके हुए लोग के पास क्या कहेंगे, हम बिक गए, ये तो आरोप ही लगा सकते हैं। कोई खुद खड़े होकर तो नहीं ऐलान करेगा कि मैं बिक गया था। साफ बात ये है, पर जो उज्जैन में ये शराब माफिया फिर से जो पिछले 7 महीनों में उत्पन्न हुआ है, बड़ी दुख की बात है। फिर से मध्य प्रदेश में माफिया हावी हो रहा है। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया था, मैं कोई मुझे दबा नहीं सकता था, कोई मुझे पटा नहीं सकता था, पर आज तो माफिया का राज है। माफिया, मिलावट, ये सब चीज़ें, और आम जनता गवाह है। मैं तो भरोसा कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, मध्य प्रदेश के नौजवानों पर भरोसा कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के किसानों पर, छोटे छोटे व्यापारियों पर मैं भरोसा कर रहा हूँ। और मुझे इस बात का विश्वास है कि हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे छोटे व्यापारी मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।